कब्रिस्तान और शमशान भूमि आवंटन के लिए ग्रामवासियों ने जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। पाली जिला मुख्यालय पर आज रामासिया ग्राम के समस्त ग्रामवासियों ने कब्रिस्तान SC ST का शमशान तथा गौशाला की भूमि आवंटन के लिए जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंप बताया कि ग्राम रामासिया पटवार हल्का खाडंदरा ग्राम रामासिया में सभी हिंदू मुस्लिम 36 कौम एक सांप्रदायिक सौहार्द की भावना से भाईचारे से रह रहे हैं, जो लगभग 150 वर्षों से एक स्थान पर रह रहे हैं। हमारे गांव में मुसलमानों के लिए कब्रिस्तान की व्यवस्था नहीं है। साथ ही अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए जिनमें की शब्द अपनाने तथा को जाति में दाह संस्कार किया जाता है। हमारे गांव में जमीन शहर के काफी नजदीक होने के कारण माननीय राज्य सरकार द्वारा काफी हद तक जमीन को अधिग्रहण करके सरकारी सुविधाएं हेतु काम में लिए जाने के लिए आरक्षित कर दिया गया है। हमारे गांव में गौ माता हेतु गौशाला के लिए भी जमीन नहीं है। हमारे गांव में लगभग 150 घर मुसलमान के 145 घर SC ST के हैं। हम श्रीमान से निवेदन करते हैं कि मुसलमानों के कब्रिस्तान हेतु 5 बीघा जमीन, SC ST के शमशान हेतु 5 बीघा जमीन तथा गौशाला हेतु 10 बीघा जमीन का आवंटन करवाएं। पाली से सुरेश पवार की रिपोर्ट। समस्त ग्रामवासी आए हैं रामाशय की तरफ से। हमारे गांव में जो है, हम काफ़ी समय से रह रहे हैं हिंदू मुसलमान एक भाईचारे की भावना से, काफ़ी समय से रह रहे हैं हम लोग, लगभग 150 वर्ष रह रहे हैं। लेकिन न तो हमारे मुस्लिम भाइयों के लिए कब्रिस्तान जिस तरह जमीन की व्यवस्था है, न हिंदू जो भाई है SC ST मुसलमान भाई बंद हुए हमारे, उनके लिए भी कोई संतान की व्यवस्था नहीं है, न ही गौ माता के लिए गौशाला की व्यवस्था या गौशाला की जमीन है। क्योंकि हमारा गांव सिटी के नज़दीक है, UAT हो गई है, वो जमीन काफ़ी कॉस्टली हो गई है, 50 लाख से 1 करोड़ रुपये बीघे की जमीन हो गई है। तो ये किसी भी जाति के लिए या धर्म के लिए जमीन परचेज करके ये चीज़ें बनाना पॉसिबल नहीं है। तो हम श्रीमान से निवेदन करने आए हैं कि जैसी जितनी अवेलेबल करा सके, हम लोगों को जो 36 को जितनी जमीन अवेलेबल करा सके, सरकार कब्रिस्तान और गौशाला की जमीन अवेलेबल कराए और हमें इसके हम